नए असलाह के लिए लाइसेंस पर आयद पाबंदी खत्म। आम शहरी को लाइसेंसी असलाह रखने की इजाजत मिल गई। महकमा दाखिला पंजाब ने गैर ममनूहा असले के लाइसेंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। डीआईजी ऑपरेशन वकास नजीर ने एसएचओ लोयरमाल को मुअत्तल कर दिया। जराए के मुताबिक एसएचओ लोयरमाल को जवारी मियां विकी को हथकड़ी ना लगाने पर मुअत्तल किया गया। एसएचओ लोयरमाल असद अब्बास को पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी। बजट पास मगर एलडीए शहर में एक भी नई स्कीम मंजूर कराने में नाकाम। नई तरक्याती स्कीमों के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आला की जेर सदारत इजलास। एलडीए का मजमू तौर पर 38 अरब 39 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। वासा 12 अरब 75 करोड़ रुपए के अखराजात करेगा। टीपा को 1 अरब 64 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। साबिक दौरे हुकूमत के 400 करोड़ रुपए के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। एलडीए का बजट कहां कहां खर्च होगा, अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज सामने ले आया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के तामीराती मंसूबे के लिए 7 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस। शौकत खानम फ्लाईओवर की तामीर पर 21 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च होंगे। शहर की दीगर अहम इमारतों की तामीर और मुरम्मत के लिए 57 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए ग्राउंड्स के इस्तेमाल का मामला। मंसूबे के लिए 2 नहीं बल्कि 3 ग्राउंड्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। एलडीए ने एमयू कॉलेज की ग्राउंड भी ऑरेंज ट्रेन के लिए मुफ्त इस्तेमाल की। एमयू कॉलेज इंतजामिया के मुरासले ने भांडा फोड़ दिया। कॉलेज इंतजामिया की ग्राउंड की बहाली के लिए एलडीए को दरख्वास्त। गाड़ियों की बोगस रजिस्ट्रेशन किसने की, मामले में एक्साइज अफसरान ही मुलव्वस निकले। सूबाई वजीर हाफिज मुमताज की हदायत पर ऑडिट शुरू। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल से रिपोर्ट तलब कर ली। फूड कलर के नाम पर मुजरे सेहत अशिया खुर्दनोश की फरोख के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट स्टोर पर छापे। ममनुआ कलर के इस्तेमाल पर इम्पोर्टेड दही का स्टॉक कब्जे में ले लिया। रजिस्टर्ड शादी हॉल मालकान भी टैक्स से फरार। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बड़ों ने सर जोड़ लिए। इन्फोर्समेंट अफसरान को शादी हॉल्स की मॉनिटरिंग के लिए अलर्ट कर दिया। नादहिंदगान के टैक्स रिटर्न की तफसीलात पेश करने की हिदायत। असातजा को भी तरबियत की जरूरत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 2 लाख असातजा को तरबियत देने के लिए तजावीज पर गौर शुरू कर दिया। तरबियती सेशन दिसंबर के बजाय आइंदा साल अप्रैल में शुरू करने की सिफारिश। आज फिर बड़ी अदालत लगेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। ड्रीम हाउसिंग स्कीम रायवंड रोड में लाकानूनियत का मामला। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एलडीए महकमा माल और एफबीआर से रिकॉर्ड तलब। स्कीम को जाने वाले रास्ते की अराजी विफाक की है। स्कीम स्पॉन्सर के पास सिर्फ 41 कनाल अराजी, 650 से जायद प्लॉट फरोख किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। राणा सनाउल्ला और राणा मुबशर इकबाल मुस्लिम लीग नून के मजीद 2 रहनुमा तहकीकात की जद में। साबिक वजीर कानून पर फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने का इल्जाम। राणा सनाउल्ला ने मनपसंद अफराद को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया। लीगी एमएनए राणा मुबशर इकबाल ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। मुतासरा बेवा खातून की दरखास्त। नैब ने दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। कंपनियां तश्कील देकर और पुरकशिश तनख्वाहों पर अफसरान की तैनाती को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ब्यूरोक्रेसी पर सियासी अशराफिया के इसरात गुड गवर्नेंस के लिए मौत की घंटी है। अफसरान की तैनाती से सिविल सर्विस के ढांचे को नुकसान पहुंचा। सियासी तौर पर नवाज कर अफसरान की वफादारियां हासिल की गई। पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा जारी।
प्राइवेट अफराद ने सरकारी बाबुओं को भी मात दे दी। 98 अफराद ने 85 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह वसूल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सरकारी अफसरान को इजाफी तनख्वाह वापस करना पड़ी। प्राइवेट अफराद ताहाल शिकंजे से आजाद। 5000 फीस लेने वाले स्कूल 20% रकम 31 दिसंबर तक वापस करें, महकमा तालीम का हुक्म। फीसें वापस न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मौतल करने की वार्निंग। असातिज़ा को कम तनख्वाहें देने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी मौतल होगी। गर्मियों की छुट्टियों की फीसों में से 50% आइंदा फीसों में एडजस्ट होगी। फीसें रिफंड करने पर प्राइवेट स्कूल 5% इजाफा कर सकते हैं। डॉक्टर मुराद रास की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर FIA और FBR का बड़ा एक्शन। जायद फीसें वसूल करने वाले 21 बड़े निजी स्कूलों का रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया गया। स्कूलों के अकाउंट्स भी मुंजमित। कार्रवाइयां लाहौर समेत मुख्तलिफ जिला में की गई। स्कूलों के अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। FIA बच्चों की सालाना 3 लाख फीसें देने वाले के खिलाफ FBR का घेरा तंग। गैर रजिस्टर्ड अपराध की बैंकों से तफसीलात इकट्ठी करना शुरू कर दी। मरलावार टैक्स नेट में लाया जाएगा। PP 168 के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। खिलाड़ी की जीत बरकरार। मलिक असद खोकर दोबारा गिनती में भी जीत गए। गिनती के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की हिदायत पर 33 पोलिंग स्टेशन के थैले खोले गए थे। मलिक असद खोकर कहते हैं, मेरी जीत हल्के के आवाम की जीत है। आवाम के मसाइल हल करवाने के लिए मेहनत से काम करेंगे। एयरपोर्ट पर मुझे कहा गया, ऊपर से हुक्म आया है आप बाहर नहीं जा सकते। मुझे रोककर नियाजी साहब का बोझ ठंडा होता है तो कर लें। मुझसे ऐसा सलूक किया गया जैसे दहशतगर्द या तकरीबकार हूं। नियाजी साहब एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के कप्तान परवार बोले, 56 कंपनियों का बड़ा शोर था, अब कहीं जिक्र नहीं। 100 दिन का रोना रो लिया, अब आवाम की खिदमत करें वरना मुआफी मांग कर घर चले जाए। ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करने का मुतालबा। हमजा शहबाज को भी इल्म है कि वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इदारे जिसको भी तलब करें पेश होना पड़ेगा। फयाजुल हसन के जवाबी वार, कहा पंजाब असेंबली के अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं। खादमे आला ने ये कानून पास ही नहीं होने दिया। ख्वाजा बरादरान चीख रहे हैं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वो लूट मार करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं गए। अंडरपास के करीब तेज रफ्तार गाड़ी नहर में जा गिरी। गाड़ी में सवार 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के जेर एहतमाम 3 रोजा इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो का इफ्तिताह। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खसूसी शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। 25 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की फर्नीचर कंपनियों के स्टॉल्स में शहरियों की भी गहरी दिलचस्पी। NCA में सजा डिग्री शो। तुलबा की जानिब से मुसव्वरी के शाहकार नमूनों की नुमाइश। गवर्नर पंजाब ने पेंटिंग्स देखी, तुलबा की मेहनत को खूब सराहा। बोले, हुकूमत आर्ट को प्रमोट करेगी। NCA की तरफ से जो भी प्रपोजल आएगा उस पर अमल करवाएंगे। तस्वीर में हकीकत के रंग भरने वालों को रोजगार दिलाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के जेर एहतमाम सेमिनार। पाकिस्तान में अकलियतों को दिए गए हकूक दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल अकलियती हकूक से ज्यादा हैं। मुकर्ररीन का खिताब। मसीही बरादरी की खुशियां, क्रिसमस का त्यौहार। सेंट ईस्टर मेमोरियल चर्च मॉडल टाउन में क्रिसमस की तकरीब। मसीही बरादरी की जानिब से मजहबी गीत गाए गए। कौमी कमीशन बराए बैनुल मजाहिब की जानिब से केक काटा गया। एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। ब्लाइंड कैटेगरी में 18 साला हुजैफा बिन नोमान ने 1 मिनट में 151 किक्स लगाकर सबको पीछे छोड़ दिया। और स्कैंडल क्वीन को लॉ
और स्कैंडल क्वीन को लॉलीवुड की फिक्र सताने लगी, फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। मीरा कहती हैं फिल्मी मरकज लाहौर को एक बार फिर आबाद देखना चाहती हूँ। नई फिल्म की शूटिंग नए साल के आगाज पर होगी, डायरेक्शन खुद करूंगी।